हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड लेसन ऑफ बेसिक ग्रामर इंग्लिश ग्रामर आवर टुडेज टॉपिक इज नाउन इन प्रीवियस वीडियो ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर आई हैव टर्ट यू अबाउट इंट्रोडक्शन एंड अ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक द नाउन विदाउट एनी फर्दर डिले नमस्कार मित्रों आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं ये भाषा की या शब्द की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रकार है संज्ञा उसका पहला प्रकार है तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं द नाउन नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी शुरुआत तौर पर जनरल डेफिनेशन ऑफ नाउन इज अ वर्ड विच नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम होते हैं उन शब्दों को हम लोग कहते हैं नाउन या संज्ञा हिंदी में एग्जाम्पल दे रखे हैं अशोक टीचेज अज इंग्लिश अशोक इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द नेम ऑफ पर्सन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट अशोक एंड इंग्लिश और नाउन इज दिस सेंटेंस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी और पॉलिसी जो है इस सेंटेंस में एब्सट्रैक्ट नाउन है तो नाउन की जनरल इंट्रोडक्शन था उसके बाद हम लोग देखते हैं एक सामान्य तौर पर आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि किस किस प्रकार के नाउन हो सकते हैं या वॉट आर द काइंड्स ऑफ नाउन अशोका वॉज अ वाइज किंग अशोका वॉज अ वाइज किंग ये सेंटेंस लिखा हुआ आपके अशोका सीधा सा दिख रहा है इट्स नेम ऑफ़ अ पर्सन वॉज अ वाइज किंग अशोका एक बुद्धिमान राजा थे सम्राट अशोक एक बुद्धिमान राजा थे तो किंग भी जो है आपके इस सेंटेंस में नाउन है लेकिन अब दोनों के फर्क को समझने के लिए मैंने इस उदाहरण को लिया है अशोक क्या है अशोक इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन किसी व्यक्ति विशेष का नाम है और किंग राजा क्या है सबके लिए सामान्य है कॉमन है यानी हम किसी को भी राजा कह सकते हैं राजा बहुत से हुए इतिहास में तो राजा कोई भी हो सकता है और अशोक जो है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का नाम है तो जब हम लोग किसी भी प्रकार के एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं वेन वी रिफर्स टू पर्टिकुलर पर्सन हम लोग किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तब तो होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन यानी जिसमें एक ही व्यक्ति की बात की जा रही हो और कॉमन नाउन में क्या हो गया इट माइट बी applied टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका ये किसी भी जैसे किंग शब्द आया तो वो किसी के लिए भी हो सकता है वो अशोक के लिए हो सकता है अकबर के लिए हो सकता है राणा प्रताप के लिए हो सकता है किसी भी राजा के लिए हो सकता है तो ऐसा शब्द जो सब के लिए यूज किया जा सकता है विच कैन बी शेयर जिसको सब शेयर कर सकते हैं वो तो होता है आपके कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा यानी अब जैसे एक तो बोल दिया किसी लड़के का नाम ले लिया अशोक तो एक लड़का फिक्स हो गया अशोक नाम का लड़का एक शब्द यूज में ले लिया हम लोगों ने सिर्फ लड़का तो लड़के के लिए बहुत सारे सब लड़के हो गए एक बोल दिया सिर्फ स्कूल तो वो सब स्कूलों की संपूर्ण स्कूल जो है जाति उसका बोध करवा रहा है तो ये आपके हो गया स्कूल जो वर्ड है वो तो कॉमन नाउन हो गया और अगर मैं बोलूँ किसी स्कूल विशेष का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदवान तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदवान क्या हो गया वो कोई विशेष रूप से स्कूल हो गई तो वो आपके क्या हो गया स्कूल का नाम तो हो गया प्रॉपर नाउन और सिर्फ स्कूल वर्ड जो है वो आपके कॉमन नाउन और भी एग्जांपल है हरी जो है वो कॉमन नाउन है सॉरी प्रॉपर नाउन है और गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है ऐसे बहुत से ऐसे जैसे सिर्फ देश शब्द या कंट्री वर्ड है कंट्री वर्ड है वो तो आपके कॉमन नाउन हो गया लेकिन कंट्री का नाम है किसी का फॉर एग्जाम्पल और बिलोड कंट्री इंडिया तो वो इंडिया शब्द जो है वो आपके प्रॉपर नाउन हो गया तो ये जो है दो काइंड हो गए पहले तो कॉम प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में क्या है अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन ऐसा नाम जो सब के लिए सब लोगों के लिए कॉमन मैन यूज लिया जाता है यानी आदमी औरत इस प्रकार के शब्द यानी इट इज़ सेड बाय ऑल ये सब के द्वारा शेयर किया जाता है और प्रॉपर नाउन क्या है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन ऑफ प्लेस किसी व्यक्ति विशेष या विशेष जगह स्थान का नाम होता है वो कहलाता है आपके प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या है प्रॉपर नाउन हम लोग जब भी लिखेंगे तो इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटर्न इन कैपिटल लेटर इसका शुरुआत में जो है प्रॉपर नाउन का या व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं उसका इंग्लिश में जब हम लोग लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर है हर शब्द का प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है और साथ ही साथ ये भी है कि भाई कई बार ये ऐसा भी होता है कि प्रॉपर नाउन भी कई बार कॉमन नाउन के रूप में यूज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया अब शेक्सपियर यूँ यूज ले तो शेक्सपियर किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन होना चाहिए लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस में कालिदास यहाँ पर प्रॉपर नाउन है लेकिन शेक्सपियर जो है वो बुद्धिमत्ता के प्रतीक के तौर पर यानी बुद्धि के प्रतीक के तौर पर या सकते हैं ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट महान जो है नाटककार के तौर पर प्रतीक के रूप में यहाँ पर काम लिया गया है तो वो संपूर्ण महानता की जाति का बोध करवा रहा है तो यह आपके कॉमन नाउन हो गया फिर देखिए इसके संपूर्ण जो है वो आपके प्रॉपर नाउन है किसी प्लेस का नाम हो किसी वस्तु विशेष का नाम हो व्यक्ति का नाम हो तो अब वो प्रॉपर नाउन है बाकी सारे जितने भी हैं वो आपके कॉमन नाउन है अब इसमें देखिए फिर थर्ड जो है कॉमन नाउन में ये मटेरियल नाउन हो गया मटेरियल नाउन में क्या हो गया अदर नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस किसी भी जो है वस्तु का नाम चाहे वो किसी प्रकार की धातु हो अन्य द्रव्य हो कोई भी ठोस हो तो वो सारे के सारे आपके पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं यानी वस्तुओं के के नाम के नाम पदार्थों गोल्ड सिल्वर ये मटेरियल्स हो हो गए गए आपके मेटल्स और ये साल्ट नमक मिल्क क्लोथ ये सारे के सारे जो है आपके मटेरियल नाउन हो गए फिर उसके बाद अगला काइंड होता है वो है कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन का अर्थ क्या होता है कलेक्शन कलेक्शन यानी समूह यानी जिसमें किसी प्रकार की साथ में ग्रुप का बोध करवाते हैं वो जो आपके समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहलाता है तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन ऑफ एज वन होल यानी ऐसी व्यक्ति या वस्तु का नाम जिसमें एक ग्रुप के रूप में उनको साथ में टुगेदर और स्पोकन ऑफ एज वन होल एक ही इकाई के रूप में जब उनका बोध होता हो तो वो आपके वर्ड कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन और समूहवाचक संज्ञा फॉर एग्जाम्पल फ्लीट अब फ्लीट क्या हो गया कलेक्शन ऑफ सिप्स जहाजों का समूह ये बेड़ा कह सकता अ क्राउड अब क्राउड शब्द किसके लिए है कलेक्शन ऑफ पीपल लोग जहां इकट्ठे हो गए भीड़ अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग ये सेंटेंस अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग यानी मवेशियों का एक झुंड जो है वो गुजर रहा है तो जब भी किसी प्रकार के समूह का झुंड का बोध करवाते हैं वो शब्द कहलाते हैं आपके कलेक्टिव नाउन इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका काइंड है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एस्ट्रेट नाउन यानी क्या हो गया भाववाचक संज्ञा तो एस्ट्रेट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स यानी जैसे इस शब्द के अर्थ से प्रकट हो रहा है भाववाचक संज्ञा यानी किसी भी प्रकार के व्यक्ति के गुणों के उसके कार्यों के उस ए, की स्थिति के बोध करवाने वाले शब्द हैं वो आपके भाववाचक संज्ञा है कई बार जरूरी नहीं है कि उस चीज को हम लोग देख सकते हैं सिर्फ महसूस भी किया जा सकता है तो क्वालिटी क्वालिटी मीन्स यानी ऐसे शब्द ऑनेस्टी गुडनेस ब्रेवरी वाइटनेस काइंडनेस विजडम ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए जो है आपके एस्ट्रेक्ट नाउन है यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अभी पहले एग्जाम्पल भी आया था तो इस सेंटेंस में जो है ये ऑनेस्टी है वो और पॉलिसी जो है आपके एस्ट्रेक्ट नाउन के रूप में है एक्शन किसी भी प्रकार के काम के करने का बोल लॉफ्ट सिर्फ लॉफ जो है वो आपके वर्ब होगी लेकिन लॉफ्ट वो नाउन है थेफ्ट चोरी स्टील यानी चुराना लेकिन थेफ्ट जो है चोरी मोमेंट जजमेंट हेटेड ये सारे के सारे वर्ड हैं वो आपके नाउन है या स्टेट स्टेट यानी अवस्था चाइल्डहुड बचपन व्यक्ति के जीवन की अवस्था डिज ऑल्सो अब नाउन स्लेवरी स्लीप शिकनेस पॉवर्टी डेथ ये सारे के सारे आपके एबस्ट्रिक्ट नाउन है तो ये हम लोगों ने देखे कि क्योंकि देर आर फाइव काइंड मेजरली फाइव काइंड ऑफ नाउंस मुख्य तौर पर इसके पांच प्रकार है जो है आपके प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन मटेरियल नाउन कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कई बार द नेम ऑफ द आर्ट्स और साइंस ग्रामर केमिस्ट्री म्यूजिक आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है किसी प्रकार के कला या विज्ञान के विषय जो है उनको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है चलिए इसके अलावा और इसका वर्गीकरण क्या है देर इज अ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउंस इज नाउंस आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट फर्स्ट वन इज काउंटेबल काउंटेबल मीन्स काउंट काउंट यानी होता है गणना एबल काउंटेबल यानी गणनीय जिसको गिना जा सके अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सके तो नेम ऑफ थिंग्स और पर्सन पीपल दैट कैन नॉट दैट कैन बी काउंट जिनको गिना जा सके और दैट कैन नॉट बी काउंट जिनको नहीं गिना जा सके वो आपके अनकाउंटेबल फॉर एग्ज़ाम्पल बुक गिन सकते हैं पेन एप्पल बॉय ये सारे के सारे आपके काउंटेबल है अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंट जिसको गिना नहीं जा सके मिल्क दूध है ऑयल है ऑनेस्टी है गोल्ड है सारे के सारे और इसके अलावा जो काउंटेबल्स होते हैं उन्हीं का प्लुरल बनाया जा सकता है यानी एक वचन से द्विवचन या सॉरी बहुवचन बनाया जा सकता है अनकाउंटेबल का बहुवचन नहीं बन सकता है फॉर एग्जाम्पल बुक का बुक्स हो सकता है लेकिन मिल्क milk का मिल्क्स नहीं हो सकता ठीक है ना गोल्ड gold का गोल्ड्स नहीं हो सकता एप्पल apple का एप्पल्स हो सकता है boy बॉय का बॉयज हो सकता है फिर अब देखिए आपके सामने कुछ जो है देर आर सम पेयर्स ऑफ दी वर्ड्स शब्दों की कुछ जो है जोड़ियाँ दे रखी है उनको समझने का प्रयास करते हैं बॉय गर्ल मैन वोमेन हीरो हीरोन लायन लॉनिस तो ये जो है आप लोगों किस क्या समझे कि भाई एक जो है शुरुआत में जो है वो आपके किसी पुरुष जाति का बोध करवा रहा है फिर जो है महिला या स्त्री लिंग का बोध करवा रहा है तो इंग्लिश में भी जो है इसके आधार पर नाउन को जेंडर के आधार पर दो जो है मुख्य रूप पे दो और यूँ कॉमन और न्यूट्रोजेंडर भी चार जो है जेंडर में बांटा हुआ है तो जेंडर के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो है ऊपर के जो है वो है मस्कुलिन जेंडर और नीचे के जो है वो फेमिन जेंडर अब इनको और थोड़ा देखते हैं अब मस्कुलिन जेंडर क्या हो गया अ नाउन दैट डिनोट अ मेल ऐसे नाउन जो है किसी मेल का पुरुष जाति का बोध करवाते हैं ऊपर के जो भी वर्ड हैं बॉय मैन हीरो लाइन और फेमिनन जेंडर कौन से हो गए अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं गर्ल लड़की वुमेन महिला हीरोइन लाइनस ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या हो गए जो स्त्री लिंग का स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं लिंग है ना तो वैसे वैसे इंग्लिश में भी जेंडर जो है वो नाउन का ही हिस्सा है संज्ञा का है फिर तीसरा जो है वो आपके कॉमन जेंडर अब कॉमन जेंडर अ वर्ड विच डिनोट्स इधर अ मेल और फीमेल ऐसे शब्द जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त हो जैसे हम लोगों ने उन... वर्ड यूज में ले बेबी 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 बच्चा सबके लिए हो सकता है या चाइल्ड ये फ्रेंड फ्रेंड आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकती है पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करवा रहे हैं या पेरेंट ऑर्फेन नेबर, एनिमी थीफ इन्फेंट कजिन ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो आपके कॉमन यूज में लिए जा सकते हैं मस्क्यूल भी हो सकता है फेमिनिन मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी और फोर्थ वन है न्यूट्रोजेंड अ जेंडर कौन सा हो गया दैट डिनोर्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल और नोर फीमेल यानी ना तो मेल के लिए और ना ही फीमेल है दोनों में से कोई नहीं है उस अवस्था में जो है आपके न्यूट्रल जेंडर हो सकता है किसी भी प्रकार की नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है बुक पेन रूम ट्री एट्सट्रा ओके तो ये जो है जेंडर उसके प्रकार मस्कुलिन फेमिनिन कॉमन और जेंडर अब हम लोग देखते हैं मस्कुलिन और इन दोनों को थोड़ा और डिटेल में मस्कुलिन और फेमिनिन फेमिन जेंडर में थोड़ा सा फ़र्क क्या है इन दोनों में उसको थोड़ा देख लेते हैं मस्कुलिन जेंडर इज समटाइम अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ और वायलेंस ऐसे शब्द जिनसे किसी भी प्रकार की शक्ति का वायलेंस हिंसा का यानी तेज तीव्रता का बोध होते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं मस्कुलिन जेंडर दुसन सम डेथ यानी ये सारे के सारे जो वर्ड है जो स्ट्रेंथ का और वायलेंस का सिंबल प्रतीक का बोध करवाते हैं तो वो आपके मस्किल जेंडर हो गया द सन सेड्स हीज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक अब सन वर्ड यूज में हुआ तो इस वजह से हम लोग सामान्य तौर पर हिज का प्रयोग जो है ही आने पर या किसी लड़के का नाम आने पर ही का प्रयोग करते हैं महिला लड़की इनके लिए या सी के लिए हम लोग जो है यहाँ पजिटिव प्रोनाउन के रूप में हर का प्रयोग करते हैं तो सन को जो है यहाँ पर आ, से रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस तो हम लोगों ने सन के लिए हिज का प्रयोग किया है इस सेंटेंस में और क्या है परसोनिफिकेशन है मानवीकरण का प्रयोग किया गया परसोनिफिकेशन यानी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य जब किसी अन्य जो है थिंग से या किसी प्राकृतिक चीज से करवाए जाने वाले बोलते हैं उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन फिर सेकेंड फेमिन जेंडर समटाइम अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस ऐसे शब्द जो सौंदर्य का जेंटलनेस का का इस प्रकार के जो ठंडेपन का बोध करवाते हैं वो आपके होते हैं फेमिनिन जेंडर मून सन का जस्ट ऑपोजिट है अर्थ पीस मर्सी स्प्रिंग नेचर ये जो है आपके फेमिनिन जेंडर है तो द मून हैज हिडन हर फेस फर्स्ट वन में सन, सन हिज का प्रयोग किया था मून जो है वो फेमिनिन जेंडर मानता है इसके लिए हम लोग जो है किसका यूज ले रहे हैं हर का ले रहे हैं तो ये फेमिनिन जेंडर हो गया इसके बाद देखिए हम लोगों को ये ध्यान देना है कि मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर जो है वो किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में फर्स्ट वन है बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड एकदम अलग ही शब्द यूज करके जैसे लड़का लड़की बॉय गर्ल हॉर्स मेयर किंग क्वीन नेफ्यू नीस है ना फिर जो है दूसरा बाई एडिंग अ सिलेबल यानी एस ऐसे पीछे जो है शब्द के पीछे ऐसे अक्सर लिख करके ई डबल एस या आई एन ई या ट्री टी आर आई एक्स या ए इस प्रकार के जो है शब्द एक अक्सर लगा करके या वर्ड जो है उसके पीछे जोड़ करके हॉस्ट हॉस्टेस हीरो हीरोइन फॉक्स फिक्सन टेस्ट्रिक्स सिग्नो Signo, सिग्नोवा ये जो है शब्द इनके पीछे आप लोगों ने देखा कि भाई ये हॉस्ट था तो हॉस्ट के पीछे ई डबल एस लगा करके इसका फेमिनिन जेंडर बनाया जा सकता है इसके अलावा बाई प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर कई शब्द ऐसे हैं जिनके आगे या पीछे कुछ शब्द जोड़ करके उसका से फेमिनिन बनाया जा सकता है जैसे लैंड लॉर्ड तो लॉर्ड लैंड लॉर्ड का हो गया लैंड लेडी पिकोक कॉक का हेन है तो पिकॉक का फिर पीहेन तो ये एक और तरीका हो गया मस्कुलन से फेमिनिन जेंडर बनाने का अब देखिए ये तो था इसके जेंडर के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है मुख्य तौर पर जेंडर चार प्रकार के मस्कुलिन फेमिनिन कॉमन और न्यूट्रल जेंडर हो सकते हैं फिर जो है मस्कुलिन और फेमिनिन में हम लोगों ने अंतर देखा और मस्कुलन से फेमिनिन किस प्रकार से बना सकते हैं फिर नाउन में ही आगे टॉपिक है आपके नंबर का नंबर नंबर का अर्थ क्या हो गया वचन वचन का सामान्य तौर पर हम लोग अर्थ क्या निकालते हैं यानी संख्या फॉर एग्जाम्पल ये कुछ जो है जोड़ियां दे रखी है शब्दों की ट्री ट्रीज बॉक्स बॉक्सेस ऑक्स ऑक्सिन मैन 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 तो उच्चारण में थोड़ा फर्क है मैन और मैन तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये जो ऊपर के हैं वो आपके संख्या में एक है दूसरे भाषाओं में जैसे संस्कृत वगैरह में एक वचन द्वी वचन या बहुवचन हो सकता है तीन वचन हो सकता है लेकिन इंग्लिश में जो है वो आपके वचन या नंबर जो है वो दो ही होते हैं सिंगुलर और प्लुरल एक वचन और बहुवचन यानी एक वचन का अर्थ क्या हो गया जिसमें सिर्फ एक संख्या का बोध करवाते हो और बहुवचन क्या हो गया दो या दो से अधिक जब संख्याएं हो तो वह आपके हो गया प्लुरल तो नाउन दैट्स वन पर्सन एक व्यक्ति का बोध करवाते हैं या वस्तु का बोध करवाते हैं वो तो है सिंगुलर बॉय गर्ल टॉय ट्री पेन और डिनोट्स मोर देन वन परसन एक या एक से अधिक एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाते हैं बॉयज गर्ल्स टॉयज ट्रीज पेन्स या आपके हो गया प्लुरल ठीक है आगे बढ़े फिर हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म अ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर सिंगुलर से प्लुरल किस प्रकार से बनाए जाते हैं यानी एक वचन है तो उसका बहुवचन इंग्लिश में कैसे बनता है इसमें पहला है ज्यादातर सामान्य तौर पर जो है एस का प्रयोग करके जो भी वर्ड है उसके पीछे क्या लगा दिया एस लगा दिया बॉय बॉयज डेस्क डेस्क टेबल टेबल्स ओके इसके बाद दूसरा है कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके पीछे ई एस लगा करके अब ई एस किन के पीछे लगाना है ऐसे वर्ड जिनका अंत एस एस एच सी एच या एक्स आता है जिनके लास्ट में उनके पीछे अपने को क्या लगाना है ई एस लगाना है क्लास डबल सी एच आ रहा था तो ऐसे शब्द जिनके पीछे ये S या सी एच या, या एक्स आता है तो उनके पीछे आपको प्लुरल बनाते समय ई एस लगाना है फिर नेक्स्ट क्या कहता है यानी अपने को ई एस जोड़ना है उन शब्दों के पीछे विच एंड इन ओ ऐसे शब्द जिनका अंत ओ से हो रहा हो उनके पीछे ई एस लगा सकते हैं मैंगो मैंगोज इको इकोज हीरो हीरोज किलो किलोज अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार अपने को जो है ओ के पीछे ई एस लगाना कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके पीछे सिर्फ ऐसे लगाना जैसे ये दूसरे जो लाइन के एग्जाम्पल है वो इसी प्रकार के हैं फोटो तो फोटोज ई एस नहीं लगाना सिर्फ ऐसे लगाना फोटोज तो प्यानोस ओके फिर जो है नेक्स्ट है कई बार कुछ शब्दों के पीछे जो है वाई आता है लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर किसी जो है शब्द के पीछे वाई आता है उससे पहले अगर कंसोनेंट है तब उस अवस्था में अपने क्या करना है कंसोनेंट है ये कंसोनेंट मतलब व्यंजन है तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है वाई को हटा करके वाई की जगह तो क्या करना है आई लगा देना वाई की जगह आई और पीछे ई एस जोड़ देना जैसे ये शब्द है बेबी तो बेबी में क्या करना है आपको वाई को हटा दिया जगह आई और फिर ई एस बेबीज लेडी शिटी, ओके? फिर देखिए कई बार कुछ शब्दों के पीछे एफ या एफ ई आता है तो उस कंडीशन में को क्या करना है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? एफ या एफ ई को वी में कन्वर्ट कर देना बदल देना है और वी हैव टू एड ई एस द लास्ट और लास्ट में आपने क्या जोड़ना है उसमें ई एस जोड़ देना है जैसे थीफ, तो फिर हो जाएगा थीज, काफ, काल्स। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें हम लोग सिर्फ एस भी लगा सकते हैं और ई एस भी जोड़ सकते हैं डॉफ में डाफ्स भी कर सकते हैं और डॉस भी कर सकते हैं दोनों अवस्थाओं में ये सही है भी कर सकते हैं भी स्काफ स्का girls और कुछ शब्द जो है पर्टिकुलर शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे वी एस नहीं लगेगा सिर्फ एस ही लगेगा chips chips chef chefs proof proofs proof, girls girls ओके उसके बाद देखिए बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल्स ऑफ द सिंगुलर कुछ सिंगुलर शब्द ऐसे होते हैं जिनमें वॉवल्स जो है बीच का उस वॉवल को चेंज करके भी सिंगुलर से प्लुरल बनाया जा सकता है मैन 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 आदमी एक आदमी और एम ई एन होता है तब ज्यादा आदमी दो या दो से अधिक फूट फीट माउस माइस अब इसमें थोड़ा सा यह भी प्रयोजन हुआ है कि ये जो बीच के वॉवल्स थे ओ यू इन दोनों को हटा करके क्या वॉवल्स लगा सिर्फ आई और लास्ट ये थोड़ा सा इसमें प्रयोजन हो रहा है एस की जगह सी भी यूज में हो रहा है फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे सिर्फ अपने को ई एन लगा करके भी सिंगुलर से प्ल बना सकते हैं ऑक्स ऑक्सैन चाइल्ड एक बच्चा और चिल्ड्रन ज्यादा बच्चे इसके अलावा कुछ नाउन्स ऐसे हैं सम नाउन्स है सिंगुलर एंड द प्लुरल लाइक कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल एक वचन और बहुवचन दोनों सेम ही होता है शिप सिंगुलर भी यही है और प्लुरल भी सेम ही रहेगा सिप्स नहीं होगा इसका प्लुरल स्वाइन डियर पेयर डजन स्कोर हंड्रेड थाउजेंड ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल जो है वो सेम ही रहता है। इसके अलावा सम नाउंस आर यूज ओनली इन प्लुरल्स कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्लुरल यानी बहुवचन के रूप में ही हो सकता है सम नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं शीजर्स शीजर्स कैंची तो अब इसमें जो इसकी स्पेलिंग होगी उसके पीछे ऐसी रहेगा शीजर्स एक कैंची के लिए आप सिर्फ जो है सीजर नहीं करेंगे शीजर्स रहेगा टोंग्स स्पेक्टिकल्स सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस ड्रेस के कुछ जो है पहनावे की जो वस्तुएं हैं ट्राउजर्स जीन्स शॉर्ट्स पजामोज ये सारे के सारे इन में अपने को जो है इनका प्लूरल ही फॉर्म यूज में होगी ठीक है ना? इसके अलावा एनल्स टैंग्स टाइडिंग्स सेट्स चैटल्स आर्म्स रिचेज ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं विच आर यूज ओनली इन प्लुरल जिनका प्रयोग सिर्फ जो है प्लुरल के रूप में ही होता है सम नाउंस लुक प्लुरल बट इन रियलिटी दे आर सिंगुलर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लुरल है अपने को लगता है कि प्लुरल है लेकिन वास्तविकता में वो होते कैसे हैं सिंगुलर फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का नाम हो फिजिक्स मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी स्पेलिंग से ऐसा लग रहा है एक जैसे ये प्लुरल है लेकिन वास्तविकता में ये है सिंगुलर न्यूज मिजल्स बिलीड्स यानी नेम ऑफ द गेम्स आल्सो कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनके नाम भी या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके नाम भी होते सिंगुलर है लेकिन लिखने में वो प्लुरल जैसे प्रतीत होते हैं इसके अलावा सर्टन कलेक्टिव नाउंस दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज एज प्लुरल कुछ ऐसे शब्द हैं कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन अभी हम लोगों ने उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा था समूवाचक संज्ञा वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं दो सिंगुलर इनफॉर्म यद्यपि होते हैं वो सिंगुलर हैं बट दे आर ऑलवेज यूज फॉर एज प्लुरल उनका प्रयोग जो है सामान्य तौर पर प्लुरल के रूप में होता है पीपल कैटल पोल्ट्री आर दीज कैटल ये मवेशी किसके हैं तो ये प्लूरल जो है कैटल को प्लुरल मान करके जो है प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब आर का यूज लिया गया है दीज पोल्ट्री आर माइन ये मेरी है ओके okay? इसके अलावा इन कंपाउंड नाइन्स फॉर्म इट्स प्लूरल बाई एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड ऐसे कुछ कंपाउंड नाउन्स कंपाउंड नाउन यानी जिसमें कुछ नाउन साथ में जुड़े हुए हो यानी मिश्रित वाक्य कह सकते हैं है ना तो उसमें सॉरी संज्ञा कह सकते हैं जिसमें आपको एस जो लगाना होता है प्लुरल बनाने के लिए वो प्रिंसिपल वर्ड जो होता है मेन जो उसका शब्द होता है मुख्य शब्द होता है उसी के पीछे लगेगा डॉटर इन लॉ का डॉटर इन लॉज नहीं होगा लॉ के पीछे ऐसा नहीं लगेगा प्रिंसिपल वर्ड कौन सा इसमें डॉटर है तो डॉटर के पीछे आपको एस लगा करके उसका प्लुरल बनाना है डॉटर्स इन लॉ होगा स्टेपसन स्टेप के पीछे जो है आपको ऐसा नहीं स्टेप्स सन नहीं होगा स्टेपसन होगा है ना मैन ऑफ वॉर ये वो इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है मेन है तो मेन ऑफ वॉर इस प्रकार से इसका प्लुरल बनेगा तो ये तो था उसके नाउन के नंबर के बारे में किस प्रकार से सिंगुलर और प्लुरल दो काइंड होते हैं सिंगुलर से प्लुरल कैसे बना सकते हैं अंत में कुछ ये एग्जाम्पल्स और हैं जिसमें हम लोग नाउन केस को समझने का प्रयास करते हैं यानी सामान्य सेंटेंस दे रखे हैं सरोज अ स्टोन सुरेश गै रमन अ बैट दिस इज अमन सा तो अब इसमें हम लोगों ने पहले दिन देखा था सेंटेंस और प्रेडिकेट के बारे में पहला जो सेंटेंस है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड थ्रियन इज द प्रेडिकेट यह विधेय है इसका तो अब सामान्य तौर पर जो है आपके ये देखा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा और बाकी का जो प्रेडिकेट उसके बारे में बात करेगा इसके अलावा इस सेंटेंस में जो है अस्टॉन स्टोन इसमें क्या है ऑब्जेक्ट है सरोज है इसमें सब्जेक्ट और अस्टॉन इसमें ऑब्जेक्ट तो ऐसे नाउन और प्रोनाउन ऐसे नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है फॉर एग्जाम्पल दूसरे सेंटेंस बोली चाहे सुरेश हो तो वो भी जो है इस सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट का ही कार्य कर रहा है तो ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं वो कहलाते हैं नॉमिनेटिव केस और ऐसे नाउन और प्रोनाउन जो किसी भी प्रकार के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव या केस ठीक है नॉमिनेटिव केस जो है नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहे हैं और जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव या accusative केस होता है थर्ड जो है उसमें आपके पॉजिटिव केस पॉजिटिव केस में क्या है जो किसी प्रकार के पोजिजन को अधिकार को शो कर रहा है अमन हाउस यानी अमन का घर ठीक है सामान्य जानकारी थी इसके अलावा अपने को यह भी पहचाना होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है तो पहला जो सेंटेंस है सरोज थ्रू स्टोन सरोज ने एक पत्थर फेंका तो ये सरोज जो है वो इस सेंटेंस में किसका आंसर दे रहा है हु का यानी किसने फेंका तो हम लोग जो है उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हु का आंसर दे रही है सरोज और क्या फेंका क्या यानी वर्ट तो वर्ट का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है a stone. तो जो सेंटेंस की शुरुआत में आकर के हु का या वर्ट का वर्ड का भी दे सकते हैं दिस इज <coughs> तो उसमें आपके वर्ट और हु जो है सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी इसका प्रयोग होगा तो ये दो जो है क्वेश्चन वर्ड का आंसर देगा एक तो या तो वर्ट या एक हु का क्या फेंका तब ये ऑब्जेक्ट है और सुरेश गैव रमन अ बैट रमन को दिया यानी किस को दिया ये होम का आंसर दे रहा है रमन तो ये भी ऑब्जेक्ट है बाकी अवस्था में ऑब्जेक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट दो ही अवस्था में वर्ट और होम की अवस्था में और दूसरा जो सेंटेंस आपने देखा सुरेश गैव रमन अ बैट सुरेश सब्जेक्ट है गै वर्ब है रमन भी ऑब्जेक्ट और बैट भी ऑब्जेक्ट है दोनों अवस्थाओं में रमन तो जो है वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसी व्यक्ति का नाम होता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बैट जो है वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामान्य तौर पर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे रहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे नहीं रहेगा इसको पीछे भी लिख सकते हैं लेकिन उससे पहले अपने को फिर टू लगाना पड़ेगा कैसे सी गैव अ बैट टू रमन सी गैव अ बैट टू रमन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पीछे आएगा तो इससे पहले टू लगाना पड़ेगा तो ये सामान्य सी जानकारी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नाउन के बारे में उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार के अच्छे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा